नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। गोड्डा में समधन ने ही समधन की पिटाई कर दी। पूरे समाज के सामने सरेआम पोल से बांध कर छड़ी से पीटा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रिश्तेदारी के बीच कोई बीच बचाव के लिए भी नहीं आया। पिटाई की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। समधन ने की समधन की पिटाई, टाइम कहने पर गुस्सा उतारा, पारिवारिक झगड़े का सरेआम तमाशा। पिटाई का ये वीडियो 6 नवंबर का बताया जाता है। वीडियो से जाहिर है कि किस तरह महिला को बेरहम तरीके से पीटा गया। महिला ही महिला की दुश्मन बनी रही। लोग घेर कर तमाशा देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। शरीर पर छड़ी के निशान देखेंगे तो रूह तक कांप जाएगी। पिटाई की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। दरअसल ये मामला पारिवारिक बताया जाता है। पीड़ित का आरोप है पर दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का केस किया गया है, जिसकी सुनवाई जारी है। इस बीच गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेरे साथ मारपीट किया और ले गया लड़की का, ले जा के एक केस किया महिला थाना में। तो 19 तारीख को नोटिस आया है मेरे पास, 19 तारीख को जाना था। घटना की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। SDPO ने स्थानीय थाना प्रभारी को कार्रवाई का आदेश दिया है। महिला को पीटने का मामला आया है, हॉस्पिटल में महिला काफी इंजर्ड है और हम लोग इसको FIR कर रहे हैं। दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। पीड़ित महिला के बेटे की शादी 2017 में पोरैया हाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी गांव में धनेश्वर शाह की बेटी पुतुल के साथ हुई थी। शादी के बाद एक बेटा भी हुआ, लेकिन आरोप है कि मायके वाले कुछ दिन पहले मारपीट के बाद अपनी बेटी को मायके लेकर चले गए। उसके बाद ससुराल वालों ने जिला महिला थाने में लड़के पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को होने वाली है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है। राघव, जी मीडिया, गोड्डा। मानव तस्करी के इंटरनेशनल गिरोह के सरगना रोहित मुनि को जेल भेज दिया गया है। सिमडेगा SP संजीव कुमार ने इसकी जानकारी दी। SP के मुताबिक रोहित लेबर का काम करता था, फिर इसने मानव तस्करी का काम भी शुरू कर दिया और काफी पैसे कमाए। देखते ही देखते वो सरगना बन गया। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर गिरोह के सरगना रोहित मुनि को पुलिस ने भागलपुर के कहलगांव से गिरफ्तार किया था। सिमडेगा पुलिस को इसकी 5 साल से तलाश थी। रोहित की पत्नी प्रभा मुनि पहले ही पुलिस के गिरफ्त में है। प्रभा मुनि को सितंबर महीने में ATS ने धर दबोचा था। पुलिस को उम्मीद है कि अब मानव तस्कर रोहित मुनि कई अहम राज खोलेगा। रोहित की पत्नी प्रभा मुनि पर झारखंड की सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को दिल्ली, पंजाब समेत कई शहरों में बेचने का आरोप है। हमारे यहाँ STU थाना कांड संख्या 5-13 दिनांक 6-5-13 IPC की विभिन्न धाराओं, मोटर ट्रैफिक एक्ट, JJ एक्ट और चाइल्ड लेबर प्रोविजन के विभिन्न धाराओं में इसकी गिरफ्तारी की गई है। 5 वर्षों से हमारे यहाँ फरार चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसकी पत्नी प्रभा मुनि विंज को पकड़ के जेल भेजा था। उसके बाद ये भागा भागा चल रहा था। वर्तमान में फिर इसकी गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा की गई है। अगले 2 साल में किसी भी कैंसर मरीज को झारखंड से बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। रांची के रनपास में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य सरकार ने कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की नींव रखी है। PPP मॉडल बनने वाले इस अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा खुद मौजूद रहे। मोमेंटम झारखंड में मैंने रिक्वेस्ट किया था आदरणीय रतन टाटा जी से कि एक कैंसर हॉस्पिटल झारखंड की धरती में भी खुले, और मुझे आज बेहद खुशी है, अंतःकरण से खुशी है। जिसको बोलते हैं आनंद, वो आनंद मुझे आज जीवन में प्राप्त हो रहा। झारखंड को कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की सौगात मिलने के मौके पर CM रघुवर दास ने यह खुशी जाहिर की।
झारखंड के लोगों को अब बाहर के राज्यों में कैंसर के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट की मदद से बनने वाले इस अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने किया। झारखंड का कोई हमारा गरीब भाई बहन कैंसर के लिए 2 साल के बाद किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं। 10, 20 years, 30 years from now, we will have set the pattern with the government to reduce the number of deaths that arise from cancer. रतन टाटा ने कहा कि रांची और आसपास के वैसे लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा जो अस्पताल के महंगे खर्च का बोझ नहीं उठा सकते। For all the people that live in Ranchi and nearby, this will be a signal of prosperity, vision and care of the people that has made all of this possible. We stand committed to work with the state government and the chief minister making this a success. Tata Sons ki 80% labhans, Tata company ki labhans ka hissa जनहित के कार्य में खर्च करते हैं। कोई ऐसा कॉरपोरेट घराना इन हिंदुस्तान में नहीं है। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट रांची एंगेजमेंट विथ इट्स इनिशियल सेटिंग अ प्रोसेस इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज लुक विथ ग्रेट फॉन्डनेस एंड सेटिस्फैक्शन। 302 बेड का अत्याधुनिक हॉस्पिटल होगा रांची कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर। 23.5 एकड़ में बनने वाले हॉस्पिटल में 50% बेड झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। पीपीपी मोड पर होगा हॉस्पिटल का निर्माण। राज्य सरकार ने टाटा ट्रस्ट को 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी है। इस अस्पताल में झारखंड के मरीजों के विशेष तौर पर 50 सीट सुरक्षित है जो आज हमारे साथ जो एमयू हुआ है। सीएम रघुवर दास ने इस मौके पर रतन टाटा से 1000 पंचायतों के विकास को लेकर 50-50% की भागीदारी पर विकसित करने के साथ कोल्हान और चाईबासा को रोशन करने को लेकर मदद मांगी। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संकल्प था और जमशेद जी नासरवान जी का भी संकल्प है कि देश को समृद्धशाली बनाना। मुझे पूर्ण भरोसा है टाटा ट्रस्ट के माध्यम से 1000 पंचायत में वो हमें राज्य सरकार को मदद करेगी ताकि आने वाले समय में हम गांव को भी समृद्धशाली करें। उसी तरह टाटा ट्रस्ट से हमने और अनुरोध किया कोल्हान चाईबासा क्षेत्र जहां हम घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं वहां टाटा ट्रस्ट के द्वारा स्ट्रीट लाइट हो जाए तो हमारा पूरा जनजाति समाज के गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो जाएगी। इस मौके पर अस्पताल का खाका भी लोगों के सामने पेश किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये कैंसर अस्पताल झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कुमार चंदन, जे मीडिया, रांची। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचे। तेजस्वी के साथ उनकी बहन रागिनी और उनके पति राहुल भी मौजूद थे। तेजस्वी करीब 5 घंटे तक अस्पताल में रुके। मुलाकात के बाद रिम्स से बाहर निकले तेजस्वी ने कहा कि वे पिता का आशीर्वाद लेने आए थे। पारिवारिक विवाद पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये भी कुछ भी कहने से बचते वो नजर आए, लेकिन महागठबंधन के बारे में तेजस्वी ने कहा कि सीटों का बंटवारा भले ही जैसा भी हो लेकिन एनडीए का सफाया तय है। देखिए, हर सदस्य जो है मौका मिलता है हम लोगों को परिजनों को उनसे मुलाकात करने का, और आप लोग जानते होंगे कि कल हमारा जन्मदिन भी था, तो जाहिर से तौर पे अपने पिता से आशीर्वाद लेना और पिता के सेहत का हालचाल जानने हम लोग यहाँ आए हुए थे। कौन ज्यादा लड़ेगा, कौन बेसी लड़ेगा, इसमें काहेला ध्यान दे रहे हैं? ध्यान इसमें दीजिए कि एनडीए का सफाया होने जा रहा है। झारखंड में मधु कोड़ा पर सियासत जारी है। पहले गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई तो मधु कोड़ा की पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ, पर सवाल अब भी कायम है कि मधु कोड़ा किस दल में है। बीजेपी कोड़ा के बहाने हमलावर है। कांग्रेस के लिए मधु कोड़ा न तो निगलते बन रहे हैं और न ही उबलते।
ऊपर से झारखंड कांग्रेस विधायक दल कोड़ा पर दिए बयान से कांग्रेस की दुविधा जग जाहिर है। अध्यक्ष थे तो वही अध्यक्ष रहेंगे या वो भी अध्यक्ष कंट्रीब्यूशन रहेंगे। पार्टी में एक नहीं सैकड़ों रहते हैं, लेकिन पार्टी किसी को चीफ बनाकर रखता है, फिर दूसरा कोई चीफ आते हैं। आज पार्टी में विलय हो जाने के बाद वो इस पार्टी अस्तित्व में नहीं रहा। अब कौन पार्टी में रहेंगे कौन नहीं रहेंगे वो बाद की बात है। और मधुकोड़ा जी इसका बढ़िया से इसका ब्रीफ कर सकते हैं। मधुकोड़ा जी पार्टी में है कि नहीं है, कांग्रेस में है कि नहीं है, ये चीज तो खैर कांग्रेस वाला स्पष्ट करेंगे, वो बताएंगे कि वो है कि नहीं है। लेकिन लक्ष्मण गिलवा जी ये जानने के लिए उत्सुक क्यों है अब ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और लक्ष्मण गिलवा ये लोग घबरा गए हैं कि आने वाले समय में उन लोगों का लुटिया गोल होने वाला है। मधुकोड़ा पर सियासत लगातार जारी है। मधुकोड़ा कांग्रेस में है या नहीं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट बयान भी सामने नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी को लेकर अब विरोधियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। आपको बता दें पिछले दिनों मधुकोड़ा की पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ था और उस वक्त ये बात कही गई थी कि कांग्रेस में मधुकोड़ा के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन जैसे ही विरोधी हमलावर हुए तुरंत ही कांग्रेस के आला नेताओं ने यह साफ कर दिया कि भले ही मधुकोड़ा की पार्टी का विलय हुआ हो लेकिन मधुकोड़ा कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मधुकोड़ा किस दल में है। देवघर के सभी प्रखंडों में पैक्स के जरिए धान की खरीद किए जाने से लोग खुश हैं। किसान सरकार के इस कदम से खुश हैं और उन्हें अनाज की रकम खाते में राशि दी जाएगी, ये भी साफ है। लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देवघर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कहा है कि हर प्रखंड में कम से कम एक पैक्स का चयन किया जाएगा। इसे देखते हुए कुल 9 पैक्सों का चयन किया गया है। इससे पहले पैक्स के धान को राइस मिल उसके बाद एफसीआई तक पहुंचने के बाद किसानों को राशि दी जाती थी। इस प्रक्रिया की वजह से किसानों को मिलने वाली राशि में काफी समय लग जाता था। हम लोग कर्ज लेके खेती बाड़ी किसी तरह कर रहे हैं और सारी धान जो भी है इस बार पैक्स में डाल रहे हैं, तो वो अगर सरकार सही टाइम पे पेमेंट कर दे तो हम लोग अपने कर्जदार को सही टाइम पर दे देंगे। इस बार यह प्रयास किया जा रहा है, हम लोग के द्वारा भी अनुशंसा की थी, अपना फीडबैक दिया गया था कि इसमें विलम्ब होता है, अतः जब पैक्स में जमा होता है उसी समय मिल के व्यक्ति भी वहां पर रहें और वो सर्टिफाई कर दें ताकि मिल में जाने के पहले ही हम किसान को भुगतान करा दें। तो यह व्यवस्था कराकर हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द किसान का भुगतान हो जाए।